नमस्कार, मैं हूं रंजीत। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं मौजूद हूं बिहार के बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड में, खेत खलिहान भ्रमण कर रहा हूं। आपको पता होगा कि बिहार में खाद के लेके बड़ी समस्या चल रही है। किसान खाद के लेके मजार भटक रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रही है। मैं बता दूं कि रसायन उर्वरक मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1 अक्टूबर 2021 से 18 दिसंबर 2021 के बीच की अवधि में बिहार में 288.065 हजार मीट्रिक टन डीएपी खाद की जरूरत थी, लेकिन इसकी उपलब्धता महज 276.567 हजार मीट्रिक टन ही रही। यानी कि प्रदेश की डीएपी जरूरत और उपलब्धता के बीच करीब 11.5 हजार मीट्रिक टन की कमी है। मांग और आपूर्ति में इस भारी अंतर वाले सरकार आंकड़े से इतने जमीनी हालत और भी ज्यादा खराब है। इसकी वजह केंद्र सरकार भी है, क्योंकि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से मिले एक आंकड़े के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2018-19 के मुकाबले 2020-21 में 17.38 लाख मीट्रिक टन डीएपी का कम आयात किया। इसके कारण से बिहार के जमीन पर खाद की स्थिति काफी खराब है। देखिए डेमोक्रेटिक चरखा का ये रिपोर्ट। भी आप खाद कहाँ से खरीदते हैं? वो प्राइवेट जिसका दुकान है वो प्राइवेट दुकान से लेते हैं। वह में रेट कुछ है, रेट देता है कुछ, रेट देता है कुछ। अच्छा, कभी आप सरकारी दुकान से खाद खरीदे हैं? दुकान से पैक्स से खरीदे तो पैक्स ठीक रेट देता था। अच्छा, तो प्राइवेट दुकान सही है या पैक्स? पैक्स सही है। अच्छा, पैक्स में खाद उपलब्ध नहीं होती है? नहीं होता है उपलब्ध। इस पैक्स में जो है खाद नहीं उपलब्ध होने की वजह क्या है? क्या है जो ये अध्यक्ष है वो अध्यक्ष नहीं आन पाता है। बहुत समस्या है, खाद नहीं मिलता है। खेती तो बहुत दिन से कर रहे हैं। तो खेती बाड़ी में खाद की क्या भूमिका होती है चाचा? खाद का तो अहम भूमिका है। खाद नहीं रहेगा खेती नहीं होगा, खाद नहीं मिलता है। अब कहीं कहीं से लाते हैं, जहाँ पर मिलता है वहीं से लाते हैं। कहीं 1200 कहीं 1400 मिलता है डीएपी, यूरिया नहीं मिलता है। लेकिन प्राइवेट से हम लाते हैं खाद, पैक्स मिलता नहीं है। हाँ, तो पैक्स में सुविधा मिलेगा। अच्छा। पैक्स मिलेगा तभी तो बहुत दिक्कत होती है। खेत फसल नहीं होता है, फसल बढ़िया नहीं होता है, खाद नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। केना उपजते तब की खेते बाल बच्चा? उपजते नहीं है खेते की। खेती बाड़ी तो जब से अकल ज्ञान होले खाद सबदा तो बढ़िया मिले रहे, अभी दिक्कत है। अब नहीं फसल उपजते, खाद नहीं पड़ता है फसल होता है। बहुत भारी समस्या है, न यूरिया मिलता है न डीएपी मिलता है। अब मिलता भी है तो 300 के बदला में 500 लेता है। अभी तो खाद यही जो इधर उधर से खोज करके लाते हैं, और डीलर तो देता नहीं है ठीक ढंग से। सस्ता तो कहीं भी नहीं मिलता है पैक्स द्वारा, और कहीं भी नहीं। पैक्स में तो मिलवे नहीं करता है, वो तो और हत्यारा है पैक्स वाला। सरकार को 265 कहती है और दुकानदार यहाँ 300 साढ़े 300 इतना कहता है, खेती फेल कर जाएगा। खाद नहीं मिलता है, देखिए पटवन गेहूँ जन्म के खड़ा हुआ, अभी तक पानी में खाद नहीं मिला, कैसे खेती होगा? जो खाद जो दुकानदार है जो घुस लेता है उसका देता है, जो नहीं लेता है उसका नहीं देता है। जाते दुकान पर उसका घुरा कर देता है, कहता है खाद नहीं है। सब दुकानदार ही सब मिल किया है, पैक्स पर जाते पैक्स पर भी घुरा देता है। हम कैसे खेती करेंगे? देखिए पानी देने वाला फसल हो गया, अभी तक खाद नहीं पड़ा है, कैसे पड़ेगा? तो अभी कहाँ से लाते हैं खाद? बकरी से। तो बकरी मतलब सरकारी या प्राइवेट दुकान से? प्राइवेट दुकान और सरकारी दुकान दोनों दुकान में जाते हैं, खाद नहीं देता है। अच्छा, अगर आप लोगों को जो है समय पे खाद नहीं मिलती है, इसके वजह से फसल पे क्या असर पड़ती है? फसल बहुत नुकसानी पड़ेगा, खाद नहीं पड़ेगा तो कैसे फसल होगा? बीज बुआई कर दिए, अभी तक पानी नहीं पड़ा है, समय ओवर हो रहा है, खाद नहीं देंगे तो कैसे होगा? मैं समय जब आ गए, अब अभी का पानी पड़ेगा, खाद पड़ेगा, तब ना फसल होगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे? खाद मांगेंगे, समय समय पर उचित दाम लेंगे, और समय पर जब पानी पड़ेगा, समय पर दवाई उवाई पड़ेंगे तभी ना होगा, नहीं तो नहीं देंगे तो कैसे होगा? अच्छा, खाद खरीदने में आपको क्या क्या दिक्कतें होती है? खाद में आधार कार्ड मांगता है, आधार कार्ड लेके जाते हैं तो ये घुरा देता है, कहता है खाद नहीं है। अच्छा, आप कभी घूरे हैं बाजार से? हाँ घूरे हैं। अच्छा,
तो खाद का बोरा कितना में आता है आप लोगों का? खाद का बोरा 320 रुपया लेता है। कौन खाद? यूरिया। अच्छा, उसका सरकारी रेट क्या है? 270 है। अच्छा, डीएपी? डीएपी आते हैं तो कहता है 1600 बोरा होगा, नहीं इतना ही है खाद, जाइए घूर के। सरकारी रेट के हिसाब से डीएपी का क्या दाम है? सरकारी रेट का डीएपी का दाम है 1200 रुपया। अच्छा, और बाज़ार में मिलती है 1600 में? 1600। अच्छा, तो ये जो है सरकारी रेट जो होती है सरकारी दुकान पैक्स, अगर पैक्स में खाद उपलब्ध हो जाए आप लोगों की तो वहाँ क्या क्या सुविधा मिलेगा आप लोगों को? वहाँ मिलेगा बीज, मिलेगा खाद, मिलेगा समय समय पर दवाई, मिलेगा सब देखभाल होगा। अब बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो है किसान भैया है और जो है इनका खेत में अभी बीज डला के जो पौधा उग गई है, लेकिन जो है पानी नहीं पड़ा है क्योंकि इनके पास अभी खाद उपलब्ध नहीं है, इनको खाद नहीं मिल रही है। और जब इनको जो है खाद मिलेगी तो फिर इसमें पानी पटाएंगे और खाद डालेंगे। आप देख रहे थे कि क्षेत्र के किसानों की एक बोरी खाद के कारण खेती कितना नुकसान होता है। अगर आपके भी क्षेत्र में इस तरह की समस्या है तो हमारे कमेंट में अपना समस्या बताएं। मैं हूं रंजित, कैमरामैन अमित कुमार के साथ।